Very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today, in this class, in this lecture, we will discuss about some identities, some rules, some definitions of trigonometric function, how we use, and what types of questions are there in exercise 3.3. In the previous classes, we discussed about some trigonometric functions, their uses, types of angles measurement in degree to radian, some angles from changes to their coordinate system, as and so on. Now, we are discussing about some identities of trigonometric function which we have to use in exercise 3.3. वो तो आपको पता ही होगा बेटा, चेंज ऑफ एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेंट. फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको. सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आल्स नेगेटिव. टेन एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव. cos theta and sec theta are positive, remaining are negative. The first quadrant lies from 0 to 90, second 90 to 180, this is 270, and again this is what, 2 pi. Pi by 2 we can say, this is pi, this is 3 pi by 2, and this is what, 2 pi, that is what, 360 degree. फर्स्ट में जो थीटा होता है बेटा आपका, वो ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. सेकंड में थीटा जो आपका होता है 90 से ज़्यादा, 180 से कम. थीटा 180 से ज़्यादा, 270 से कम. एंड थीटा इज हियर ग्रेटर देन 270, लेस देन 360. चेंज ऑफ एंगल्स, कोस माइनस एक्स, व्हाट इज दिस, माइनस कोस एक्स. साइन प्लस कोस एक्स, साइन माइनस ऑफ एक्स, माइनस साइन एक्स, राइट. क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आना है, क्लॉकवाइज चलेंगे, फोर्थ क्लॉकवाइज में चलेंगे, फोर्थ में आएंगे, फोर्थ में कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव. चलिए, उसके बाद कुछ एंगल्स हमने पढ़े थे, किस तरह से साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स. कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स. और टेन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, कोट एक्स. They all are a positive sign because they all are in the going first quadrant. In first one, all the trigonometric functions are changed, and due to this pi by t, pi by 2 and odd multiple of pi by 2, all the trigonometric functions will change to itself. Sine with respect to cos, cos with respect to sine, tan with respect to cot, cot with tan, sec cosec and cosec with sec. हम इसको क्या लिखेंगे आगे, pi by 2 plus लिखेंगे, तो किस में आएंगे, second quadrant में, या फिर pi minus लिखेंगे, किस में आएंगे, फिर second में. pi plus थर्ड क्वाड्रेंट में, या 3 पाई बाय 2 माइनस, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 प्लस हो, या 2 पाई माइनस हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में. दिस इज चेंजेबल एक्सिस, कौन सी, दिस इज द ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एंड द मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज, देर इज नो चेंज. तो इज ऑन दिस एक्सिस नो चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड दिस इज वॉट, चेंजेबल एक्सिस. साइन कोस में, कोस साइन में. टेन कोट में, कोट टेन में. सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. नाउ there are some different types of identity we will use in the exercise 3.3, and what type of they are. Sum and difference of two angle in trigonometric functions. So sum and difference pe jo identities hai wo kya hai, pehle beta aayegi kya hai, sin a plus b, ya fir kya aayegi, sin a minus b, ya fir kya aayegi, cos a plus b, ya fir cos a minus b, या फिर आपकी आ जाएगी टेन ए माइनस बी, या ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी. साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. ठीक है, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी. दिस इज व्हाट, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन व्हाट, वन प्लस टेन ए इंटू 10b. Similarly, cot a plus b and cot a minus b. Cot a plus b, cot a cot b,
ठीक है, आपके पास जो है कोट बी प्लस कोट ए अपॉन वन माइनस कोट ए, और कोट की चाहे आप करो ही मत यूज़, है ना, कोट की तो आप चाहे करो ही मत यूज़। वैसे आप कोट की यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से, आप अगर आइडेंटिफाई करनी हो कोट ए प्लस बी तो कैसे करेंगे, कोस ए प्लस बी अपॉन वाट, कोस ए माइनस बी, ठीक है, तो वही कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, तभी तो कोट होगा आपका। कोस की आपके पास है ही आइडेंटिटी, क्या कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऊपर नीचे डिवाइड करो साइन ए कोस बी से, आपके पास आइडेंटिटी आएगी। हालांकि मेन यूज़ क्या है इनका, कोट की बहुत रेयर चांस में आती है, वो देख लेंगे इसमें है कि नहीं, वो आपको बता देंगे। साइन कोस एंड टेन, सम ऑफ एंगल्स सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, राइट, ये आपके पास है। साइन में एक्चुअली क्या होता है, साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, एक साइन एक कोस में रहता है फंक्शन, एक साइन और एक कोस में, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या जाएगा बेटा माइनस। कोस की आइडेंटिटी में दोनों कोस में दोनों साइन में, दोनों कोस में दोनों साइन में, प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या जाएगा प्लस। टेन ए प्लस बी में टेन अंदर जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, यहाँ जो साइन है वो सेम रहेगा, नीचे अपोजिट आएगा, साइन यही रहेगा, नीचे अपोजिट साइन आएगा। कोट वाली मैं देख लेता हूँ, अगर यूज़फुल है इसमें कहीं दी है तो ठीक है, हम कोट वाली भी लिखवा देंगे, कोट की भी दी है आपको, ठीक है, तो कोट की भी दी है, तो कोट की आपके पास क्या हो जाएगी, कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन वन कोट बी माइनस कोट बी प्लस कोट ए, यही कोट ए प्लस बी इज व्हाट, आपके पास कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, माइनस आ जाएगा तो बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, बस इतना सा। दीज आर द सम आइडेंटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। नाउ टू टाइम्स ऑफ एंगल, सम आइडेंटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन टू टाइम्स ऑफ एंगल, टू टाइम्स मतलब डबल ऑफ एंगल, जैसे कि साइन एक्स है तो एंगल का डबल कितना, टू एक्स, तो साइन टू एक्स की, है ना, कोस टू एक्स की और टेन टू एक्स की, क्या क्या आइडेंटिटी होंगे देखें। फर्स्ट इज साइन टू एक्स टू ए, जो भी लिखना चाहो, सेकेंड इज कोस टू एक्स एंड थर्ड वन इज टेन टू एक्स। देखिए बेटा साइन की आपके पास दो आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट वन इज टू साइन एक्स कोस एक्स एंड दिस इज टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोस की टोटल चार होती हैं, फर्स्ट इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड होती है बेटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड होती है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और फोर्थ होती है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन टू एक्स की एक सिंगल आइडेंटिटी है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस, मतलब क्या है कि यहाँ जो एंगल डबल है आपका, जो भी एंगल होगा उसका जस्ट यहाँ क्या होता है बेटा हाफ। थ्री एक्स है थ्री एक्स बाई टू, फोर एक्स है टू एक्स, सिक्स एक्स है थ्री एक्स, एट एक्स है फोर एक्स, तो जो यहाँ एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा बस। आपसे आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में है, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी जो आपकी बुक में नहीं दी है, क्या टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स हो, या फिर डिग्री में टेन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस एक्स हो, बोथ द गोस सेम आइडेंटिटी वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, ये आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, ये आइडेंटिटी यूज होगी आगे क्वेश्चंस में। टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स हो, या फिर टेन फोर्टी फाइव डिग्री माइनस एक्स हो, ये भी यूज होनी, और ये क्या होगी वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन द आइडेंटिटी, सिर्फ ये वाले, और बाकी तो सब बुक में दी हुई है, बाकी ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स है, इट मीन्स प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा, नीचे चेंज होकर आएगा साइन वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये टू टाइम्स ऑफ एंगल की थी, अब आपके पास आइडेंटिटीज जो है वो थ्री टाइम्स ऑफ एंगल की हैं,
साइन थ्री एक्स, कोस थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेंज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एक्स की जगह 2x, कोस की जगह, और ये तीनों तीनों हम चेंज करेंगे, ठीक है। तीन ही है शायद, साइन थ्री एक्स है, कोस थ्री एक्स है और टेन थ्री एक्स है, ठीक है। साइन थ्री एक्स, कोस थ्री एक्स एंड दिस इज बेटा टेन थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। थ्री एक्स जब भी होगा, थ्री टाइम्स ऑफ एंगल विद साइन, आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कोस थ्री एक्स, फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज़ करनी है। एंड थर्ड वन इज टेन थ्री एक्स, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर एक्स, ये आपको यहाँ यूज़ करनी है। ये तीन आइडेंटिटी हैं आपकी मेन, साइन थ्री एक्स, कोस थ्री एक्स और टेन थ्री एक्स, ठीक है। नाउ सम डिफरेंट आइडेंटिटीज आर देयर, दो तरह की आइडेंटिटी और बच गई बस, नबी उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दो तरह की आइडेंटिटी कौन कौन सी बच गई वो देखिए। अभी अभी आपने पढ़ी बेटा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अगर ऐसा आ जाए साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, या फिर ऐसा आ जाए साइन ए माइनस साइन बी, या फिर ऐसा आ जाए कोस ए प्लस कोस बी, या फिर ऐसा आ जाए कोस ए माइनस कोस बी। अच्छा, इससे पहले आपने कौन कौन सी पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी, राइट, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ये सब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी अभी। लेकिन बेटा साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं हो सकता, आप एज्यूम कर सकते हैं, ए 30 ले लें, बी 60 ले लें, वेरीफाई कर लें, साइन ए प्लस बी नेवर इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये चार आइडेंटिटी आपके पास है, बुक में हो सकता है आपके पास एक्स वाई की फॉर्मेट में दिए हैं, लेकिन आपके पास ये हमेशा ए और बी में रखें, ज़्यादा ईजी रहेगा। साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड कोस ए माइनस बी बाई टू। माइनस है तो कोस पहले आ जाएगा, टू कोस ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, दोनों कोस हैं दोनों कोस में जाएगी, टू कोस ए प्लस बी बाई टू एंड कोस ए माइनस बी बाई टू, दोनों कोस बीच में साइन माइनस टू, दोनों साइन में जाएगी, ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू। फर्स्ट आपकी यही है, कोस एक्स प्लस कोस वाई, दोनों कोस में है बीच में प्लस है तो बेटा दोनों कोस आएंगे, दोनों कोस हैं बीच में माइनस है दोनों साइन में जाएंगे, बाहर क्या आएगा माइनस, दोनों साइन में बीच में प्लस पहला साइन दूसरा कोस, दोनों साइन बीच में माइनस पहले कोस बाद में साइन, इतना सा आपको ध्यान रखना है। सॉरी, एंड लास्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी, लास्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी आर देयर, आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 70 पे, क्या है, टू कोस ए कोस बी, तो मैं उसको लिख रहा हूँ बेटा टू कोस एक्स कोस बी दिया ना कोस वाई, तो टू कोस ए कोस बी लिख रहा हूँ मैं इसको। दूसरा है बेटा आपके पास टू कोस ए कोस बी लिख दिया, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, अच्छा इसके बाहर माइनस लगा रखा है, इसका लॉजिक बताएंगे आपको, टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी, और लास्ट है बेटा टू कोस ए साइन बी, ये चार आइडेंटिटी हैं, पहले पहले वाले दोनों कोस में है, फिर दोनों साइन में है, फिर पहला साइन दूसरा कोस है, फिर पहले कोस दूसरा साइन है। देखिए टू कोस ए कोस बी दोनों कोस में, दोनों कोस में जाएंगे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, दोनों कोस में जाएंगे, वो टू डिवाइड में था वो उधर चला जाएगा, देखिए ना कोस वाला कहाँ है, ये रहा, दोनों कोस में है, दोनों कोस में है, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, अच्छा दोनों साइन में होंगे तो भी कोस में जाएगी, बाहर माइनस इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, फिर आपके पास साइन पहले कोस बाद में, साइन में जाएगी दोनों, साइन ए प्लस बी बस बीच में प्लस रहेगा, साइन ए माइनस बी, और पहले कोस तो माइनस आ जाएगा बस, साइन
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सब आइडेंटिटीज हैं, टोटल आइडेंटिटीज हमने आपको लिखवा दी हैं, जितनी भी यूज होंगी आपके थर्ड चैप्टर में। दीज आर द टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 3.3 विच यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द टू टाइप्स ऑफ एंगल, थ्री टाइप्स ऑफ एंगल, सेवन डिफरेंस ऑफ एंगल, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेंट, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स, जस्ट लाइक दैट। तो ये आपका कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ 3.3 का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।